भैया आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं नई फिल्म के लिए। आपका स्वागत हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहें मराठी रंगाई खून से? सबसे पहले आपके चैनल के सभी देवतुल दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। फिल्म में आज मेरा पहला दिन है और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और इसके निर्देशक हैं सुनील त्रिपाठी जी हैं, इनके साथ मेरा पहला अनुभव है, लेकिन इनसे परिचित रहे हैं। और इसके निर्मात्री हैं परी सिंह घने जी, उस और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। और नायक इसके हैं रियांश सिंघानिया जी, प्रमोद प्रेमी जी हैं और पूनम दुबे जी हैं, शालू जी हैं और उमेश सिंह जी हैं और आपका छोटा भाई नो इफ नो बट मल्ली सीपी भट्ट। इस फिल्म में फिर हम विलन के रूप में आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल फाड़ो, एकदम पूरा बवाल है। आपने जैसे और फिल्म में देखिए उस तरह उससे भी बेहतर है। प्रमोद जी के साथ एज ए विलन मेरी दूसरी फिल्म है, इसके पहले UP 64 बन चुकी है जो रिलीज पे है और ये दूसरी फिल्म है एज ए विलन। तो कुछ और इसमें जो मेरा गेटअप है वो भी बिल्कुल अलग है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं, लेकिन गेटअप से भी बिल्कुल अलग है। उसका जो तरीका है, उसका एटीट्यूड है, वो भी अलग है और एक हिस्टोरिकल भी टच है फिल्म का, कॉमर्शियल भी है। स्टोरी मतलब बहुत यूनिक स्टोरी है, आप लोग को पसंद आएगी। और परी सिंघानिया जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सुनील त्रिपाठी जी को भी कि आपने मुझे इस युग समझा, इस कैरेक्टर की युग समझा और एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। और रियांश बाबू को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इसके पहले भी फिल्म कर चुके हैं लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छे स्तर से बन रही है, उनकी एक तरीके से लॉन्चिंग है। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और बस भोजपुरी का नाम ऊंचा करें। आज से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, पूरी टीम को क्या बधाई देना चाहेंगे और फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, समाज में क्या मैसेज जाएगा? पूरी टीम को सबसे पहले बधाई देंगे कि पानी पीते रहे भाई, जम के धूप है और थोड़ा धूप से बच के रहिए, और क्योंकि शूटिंग बहुत बाकी है, शूटिंग करना है और सभी लोग एक टीम वर्क का काम है। हम लोग के लिए धूप ठंडी बारिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, काम काम का जो भूख होती है उसके आगे सारे आग पानी तूफान सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसी काम के लिए आदमी हजारों किलोमीटर दूर जाता है। तो सभी लोग एक टीम वर्क का परिचायक है, इस बात को प्रस्तुत करें, परी जी को सपोर्ट करें क्योंकि एक अच्छी निर्मात्री के रूप में उभर रही हैं और पहले भी बहुत अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं, आज भी अभिनेत्री हैं और इनके साथ एक फिल्म और किया था बलम रसिया मैंने किया था। और सबसे बड़ी बात है हमारे होम टाउन की गोरखपुर की है CM City, तो सभी लोग काम कर रहे हैं और टीम के जो भी टेक्नीशियन हैं, चाहे वो कैमरा से हों, चाहे वो लाइट से हों, चाहे क्रेन से हो, चाहे स्पॉट ज़्यादा हों, चाहे प्रोडक्शन में जो भी हो, चाहे मेकअप मैन हो, सबको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलजुल के काम कीजिए, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और भोजपुरी का आयाम बहुत ऊँचा जा रहा है, किसी कहने दीजिए भोजपुरी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है और अच्छी अच्छी फिल्म बन रही है। आप भोजपुरी में एक सवाल तो बिल्कुल हटाई दीजिएगा कि भोजपुरी में अश्लीलता, ये तो बहुत पुराना सवाल है, भोजपुरी फिल्मों में कहीं दूर दूर तक अश्लीलता नहीं है। अब तो भोजपुरी गानों में नहीं दिखता है भोजपुरी, अब वो क्या है ना, अच्छे बुरे हर जगह वो लोग होते हैं। साउथ में भी स्टार्टिंग में पॉर्न फिल्म साउथ से स्टार्ट होती है, अच्छी फिल्म है, आप ये भी पूछ सकते हैं भैया कि साउथ में पॉर्न फिल्में बनती थी, उसको कोई नहीं पूछता है, ठीक है। अच्छाई बुराई से अच्छाई तरफ बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, हम अच्छाई तरफ बढ़ तो रहे हैं। डाकू अंगुली माल ही आगे चल के रामायण की रचना किए थे, इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद सम्राट अशोक बौद्ध स्तंभ की स्थापना की, तो ये नहीं है कि आज हम गलत हैं तो कल भी गलत रहेंगे, अच्छाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बस, ये इम्पोर्टेंट है। सीपी भैया बात करें, जिस तरह से कहा जा रहा है आजकल और खबरें भी देखने सुनने को मिल रही हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि साउथ की फिल्में पहले मतलब बनती ऐसी थी कि लोग देखना नाम लेना दूर की बात, आज साउथ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है, कह रहे हैं कि बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, बॉलीवुड आगे बढ़ रहा है,
तो क्या वो दिन भोजपुरी में भी आएगा? भोजपुरी कैसे रहोगे भाई? भोजपुरी सबसे टॉप पे है और दूसरे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। बता दें ये बात तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी के बाद सबसे बड़ी टेरिटरी है भोजपुरी की, सबसे बड़ी टेरिटरी है। कुछ चीजें हैं, ईमानदारी डिस्ट्रीब्यूटर निभाए, ईमानदारी एग्जीब्यूटर निभाए, ईमानदारी जो कलाकार निभाए, निर्देशक भी वो भी ईमानदारी से काम करें, अपना उनका जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन को पकड़ के काम कर रहे हैं और उनमें पायरेसी नहीं चलती है। हम लोग फिल्म बनाते हैं तो कब अपनी फिल्म में बहुत लोग कलाकारों से पूछ लीजिए, 99% कलाकार होंगे जो फिल्म देखने नहीं जाते होंगे अपनी, वो YouTube का इंतजार करते हैं। हमारे दर्शक भी अब YouTube का वेट करते हैं। कहीं कहीं जो फ्री का नेट है ये भी कहीं कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदार है। वहाँ के लोग फिल्म के प्रति डिवोटेड है, उनका एक समर्पण है कि मुझे फिल्म सिनेमा हॉल में देखना है और वो फिल्म को प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। हम लोग क्या हैं, भोजपुरी में फिल्म बनाएंगे तो भी कहेंगे नहीं भाई बिल्कुल हिंदी टाइप की फिल्म बना रहा हूँ, भोजपुरी फिल्म है भाई, हिंदी टाइप की फिल्म बना रहे हो फिर भोजपुरी क्यों कह रहे हो? आप अपने कल्चर को दिखाइए, आप किसी की नकल मत कीजिए, आप क्या बेटर दे सकते हैं? और भोजपुरी में हो रहा है, धीरे धीरे भोजपुरी में अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और अच्छे अच्छे एक्टर, एक्टरों की कमी नहीं है भोजपुरी में। कोई ये नहीं कर सकता कि भोजपुरी में एक्टर खराब है, चाहे साउथ की इंडस्ट्री से तुलना कर लीजिए, चाहे हिंदी इंडस्ट्री से तुलना कर दीजिए, दोनों इंडस्ट्री की तुलना कर लेंगे तो आपके भोजपुरी में उनसे कहीं 10 ही एक्टर मिलेंगे आपको, कमज़ोर एक्टर नहीं मिलेंगे। हाँ बस क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता है। एक गांव में कहावत है ना कि एक बिट्टा के खूंटा बचा, चाहे नीचे गाड़ा चाहे ऊपर गाड़ा, चाहे हम उसको बचा लें चाहे मेकिंग कर लें, तो वो चीज़ें हैं। तो पहली बात है और हमको ये देखना है कि अच्छी फिल्में कैसी बने, ये इम्पोर्टेंट है। फायदा नुकसान अगर आपको चाहिए तो ज़मीन खरीदिए, ज़मीन बेचिए और बिजनेस कर लीजिए। ये तो एक शौक है, शौक में आज बड़े बड़े लोग क्या शौक पाल लेते हैं, सबका अलग अलग है। अच्छी फिल्में बनाइए, अच्छे तरह कलाकारों को लीजिए, आप उसमें नहीं कि ये कम कर रहा है तो उसको बुला लेंगे। अभी क्या है कि उनको कम बजट में लोग चाहिए, जहाँ से बजट बड़ी बजट है वहाँ से बजट नहीं काटेंगे। उनको सीपी भट्ट अगर महंगा मिल रहा है तो सीपी भट्ट नहीं चलेंगे, अच्छा उसको ले लो, चंपू का नाम है बटुकलाल को बुला लो, फलनवा बुला लो, ढिकमा बुला लो, नहीं आनंद मोहन जी चलेंगे तो उसको बुला लो, उसको खड़ा कर दो। तो उनको 10-5 हज़ार 20 हज़ार बचाना इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, उसकी फिल्म का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। साउथ में एक छोटा कैरेक्टर देखेंगे आप, देखिए ये परमानंद जी हैं, हमेशा हीरो भारी पड़ते हैं, हिंदी इंडस्ट्री में भी था ऐसा था कि मामू जी देखिए हमेशा हीरो भारी पड़ते थे। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमने समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, अब बीच में कोरोना काल भी आ गया, वरना और भी हम पिकअप पकड़ लिए होते हैं। तो बस आप लोग का सहयोग रहे और जहाँ तक की बात है और लोग की कि आप लोग गाने सुनते हैं, गंदे सुनते हैं तो उनका व्यूवर्स बढ़ता है, चद्दर उड़ के डाल देंगे लहंगा धूमधाम तो कहाँ से आपका भी अच्छी फिल्म की तरफ बढ़ेंगे। आप अब फिल्में गलत हैं बाहर, आप जिंदा नारा लगाएंगे कि अश्लीलता मुर्दाबाद, अब यहाँ पे अंदर आप देखेंगे गलत फिल्में देखेंगे, आप उस पर स्ट्राइक मारिए ना, उसका उस कंप सबसे बड़ी बात है उस कंपनी के खिलाफ क्लेम होना चाहिए। कोई से अगर हम बोल दें कि मैं तलवार ले घूमूंगा तो उसमें गवर्नमेंट का रोक है, अगर वो भी एक तरीके से सांस्कृतिक अपराध है, हम एक सामाजिक क्राइम कर रहे हो, भी एक कल्चरल क्राइम बोल सकते हो उसको, गलत गाने गाना, गलत हमारी संस्कृति को ख़राब करना, उस पर भी एक अपराध होना चाहिए और रोक लगना चाहिए, उस YouTube पर लगना चाहिए, बिना सर्टिफिकेट लिए उसको रिलीज करने पर लगना चाहिए, उन कलाकारों पर, उन स्टूडियो पर, उन म्यूजिक डायरेक्टर पर, उन लिस्ट राइटरों पर, सबके ऊपर एक कंप्लेंट होनी चाहिए। आज भोजपुरी कुछ लोग देखिए 10 लोग आगे बढ़ रहे हैं, 20 लोग पकड़ के खींच रहे टांग, तो कैसे होगा? और निसंदेह जहाँ तक मेरा मानना है कि एक दिन देखिएगा भोजपुरी में काम करने के लिए, चाहे हिंदी के लोग तो काम करने के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन साउथ के करेक्टर भी आएंगे भोजपुरी में। आप बोल सकते हैं हमारी बात को कि छोटी मुँह बड़ी बात, हाँ लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात ही, लेकिन एक दिन सही होगा कि भोजपुरी में काम करने के लिए भी साउथ के एक्टर आएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। साहब आपका चैनल हमारा स्वागत है और आज एक नई शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। क्या कहना चाहेंगे माटे रंगा इन खून से जो फिल्म का शूटिंग मुहूर्त और आपके हाथ पूजा हुआ शुभ मुहूर्त में, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि आज बॉलीवुड के बरादरी में भोजपुरी जो समाज है, भोजपुरी इंडस्ट्री है,
आज इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने समय देने के बाद आज इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा मुकाम जो है कायम कर रखा है, और आज हमारे हिंदुस्तान को यूपी बिहार अदर स्टेट को लेकर के आज हमारे नौजवानों को युवकों को इंडस्ट्री में बॉलीवुड के मुकाबले जो है बहुत बड़ा काम मिला हुआ है और रोजी रोटी भी मिल रही है। और हम बात करें राज्य सरकार की, हमारे योगी जी ने बॉलीवुड के लिए बम्बई को छोड़ करके एक नया मुकाम हासिल किया है, नोएडा में इंडस्ट्री बन रही है, जो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है उसी के मुकाबले जो है नोएडा में नया जो है डेवलप हो रहा है, और आशा है कि दो साल 2024 तक कामयाब हो जाएगी और चलने लगेगी। तो बम्बई को देखते हुए आज हमारे यूपी बिहार में जो है लोगों को बहुत बड़ा काम मिलेगा और इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा जी। जिस फिल्म का शूटिंग शुरू हुई आपके हाथों तो पूजा मुहूर्त किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये पूजन देखो ये एक प्रकृति का नियम है, किसी के इंसान के द्वारा जो है किसी चीज़ का मुहूर्त होना ये मेरा अपना सौभाग्य है। आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाई मुकाम हासिल करे, तो ये फिल्म जो है बहुत ही साफ सुथरी और जो है उसका क्या नाम, बड़े अच्छे कर्मठ लोग इसमें हैं और इंडस्ट्री में भगवान की दया से एक नया जो है लड़का बेटा हमारा सुनील त्रिपाठी जो डायरेक्शन कर रहा है, और उमेश जी हैं और पूनम दुबे जी हैं, ये इंडस्ट्री के माने हुए मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और सब पूरी जितनी भी टीम है बहुत अच्छी टीम है, और ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा हासिल मुकाम काम करेंगे जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ शुभकामना जी। पूरी टीम को किस तरह बधाई दें, क्या कहना चाहेंगे? पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, पूरी टीम को हमारी तरफ से माँ चंद्रिका देवी से शुभकामनाएं। कितना खुश हैं आज आप? आज हम बहुत खुश हैं जी, हमारी टीम अच्छे से भगवान की दया से सबको पूरा काम मिलता है। कहाँ शूटिंग होने वाली? इसके बाद तो यहाँ हुआ, इसके अलावा और कहाँ कहाँ होगी? ये शूटिंग जो है यहाँ होगी, 2000 किलोमीटर आसपास होगी, माता जी के दरबार में होगी, चंद्रिका देवी माता के दरबार में होगी। इन्हीं का जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इन्हीं का दूसरा सेटअप गोमती नगर में है, हम लोग वहाँ भी करेंगे जी जी। फिल्म के हीरो हीरोइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के हीरो को वो तो आज वो बात है कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। हम लोग तब आज इंडस्ट्री को देखो, कोई भी हो आप ये समझ लिए कि मुकाम कोई इंसान किसी को देता जरूर है, चांस जरूर दिया जाता है, चांस देने वाला कितना आगे प्रोग्रेस करता है, अपनी कितनी ऊंचाइयां हासिल करता है, वो हीरो हो या हीरोइन हो, लगन ईमानदारी मेहनत ही उसको रंग लाती है, उसी को उच्च शिखर पर बैठाती है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम आपका हमारे चैनल स्वागत है, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, नई शुरुआत, एक नई फिल्म के साथ में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच सभी का, आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज शुरुआत एक नई हुई और नया फिल्म का नाम जी, नई फिल्म शुरू की हूँ जिसका नाम है माटी रंगाई खून से, और बहुत खूबसूरत लोकेशन है, मैं मलिहाबाद में शूट कर रही हूँ, लखनऊ मलिहाबाद, और क्या नाम है इसका फार्म हाउस का, श्री विद्यापीठम, हाँ श्री विद्यापीठम, तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है, अगर आप लोगों को कभी आने का मौका मिले तो आप लोग आएं, और इंडस्ट्री वाले तो पक्का यहाँ शूट करने के। बड़ा भक्ति नाम लग रहा है, हाँ बहुत संस्कारी नाम है, बिकॉज फिल्म भी मैं बहुत संस्कारी बना रही हूँ, और देखिए ना मैं ऑलरेडी कितनी संस्कारी लग रही हूँ।
तो ये जो आप एज ए प्रोड्यूसर एक नई पारी शुरुआत की है, क्या कहना चाहिए कि महिला प्रोड्यूसर फिल्म बना रही हैं? इससे पहले भी तो मैंने फिल्म बनाई और आप लोगों ने उसे बहुत सराहा, प्यार दिया, और कुछ टाइम जरूर लग गया मुझे दोबारा एज ए प्रोड्यूसर आने में, लेकिन फिर से मैं आप शुरू की हूँ, तो बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए और मैं बहुत सारी फिल्में बनाऊंगी और सभी लोगों के साथ फिल्में बनाना चाहूंगी। वैसे भी मेरी इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, तो मैं खूबसूरत लोगों के साथ फिल्में बनाऊंगी और मेरे प्यारोस बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इन लोगों को इंटरव्यू दूंगी। जी जी, तो मैम इतना चिल्चिलाती धूप जो है, कड़ाके की गर्मी है, इसको मैं आप फिल्म शूटिंग कर रही क्या जी? इतनी उम्मीद तो मैंने नहीं की थी कि इतनी गर्मी पड़ेगी। लिटरली लखनऊ में कह सकते हैं कि यूपी में बहुत गर्मी है, और इस पूरे गर्मी में मेरी पूरी यूनिट बहुत मेहनत से काम कर रही है, और मेरी यूनिट इतनी अच्छी है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। बहुत सारी प्रॉब्लम कल से मेरी यूनिट ने फेस किया है, बट किसी ने उफ तक नहीं बोला है। उसके लिए मुझे अपने पूरी यूनिट का धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी यूनिट मिली है। फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे, जो फिल्म का नाम है माटी रंगाई खून? माटी रंगाई खून से बेसिकली मैं मिट्टी पे बना रही हूँ, बिकॉज कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं और भारत की मिट्टी पे ही फिल्म बनाएं, हम किसान हैं, इस पे फिल्म बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसी से प्रेरित होकर बना रही हूँ। इसमें स्टार कास्ट हैं, प्रमोद प्रेमी जी, पूनम दुबे जी, रियान सिंघानिया, शालू सिंह, उमेश सिंह जी, मनोज टाइगर जी, सीपी भट्ट जी, काफी आर्टिस्ट हैं इसमें, सब मार्केट के हैं जी। फिल्म से क्या मैसेज मिलने वाला है दर्शकों को? फिल्म से, हर फिल्म से दर्शक कुछ ना कुछ सीखता है, तो मेरी फिल्म से भी लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि जब ये आपदा आई थी, कोरोना आया था, तो लोग शहर से भागकर, फिर सब लोगों ने शहर से पलायन करके गांव में भागे, पहले गांव से पलायन करके शहर में आते थे, फिर उन्हें शहर में रहकर और जब आपदा आई तो पता चला कि नहीं, गांव बहुत खूबसूरत है, हमारी मिट्टी बहुत खूबसूरत है, तो लोग अपने गांव के तरफ, अपनी मिट्टी के तरफ भागे और मिट्टी की अहमियत समझा, गांव की, माँ बाप की, अपने रिश्तों की और परिवार की अहमियत लोगों को समझ में आई। उसी से रिलेटेड मेरी फिल्म है, कोरोना पे नहीं है, मिट्टी से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड है। मतलब कह सकते जैसे लोग कहते थे गांव में क्या रखा है शहर चलो, अब वही शहर वासियों को बताना है, वही गांव में जो रखा है वो शहर में, वो शहर में नहीं है, और शहर ऐसी जगह है कि आप यहां आकर बसे हो, फिर आपको उजड़ के वापस अपने गांव में ही जाकर बसना होगा, क्योंकि वही आपकी मातृभूमि है, वही आपकी जगह है, माँ नहीं बदली जा सकती। मतलब रिटायर होने के बाद गांव ही आना है? या ऑफकोर्स, मैं भी एक दिन गांव जाऊंगी, और मुझे तो बहुत शौक है कि मैं बहुत जल्दी मुंबई से गांव जाऊं, अपने घर रहूं, गांव की मिट्टी में, गांव के खेतों में घूमूं, गांव के बागीचों में घूमूं, मुझे अपने बागीचे की बहुत याद आती है, और ये सच है। आपका गांव कहाँ है मैम? मेरा गांव गोरखपुर में है जी, बहुत खूबसूरत गांव है। गांव में रामगढ़ ताल भी गोरखपुर का प्रसिद्ध है? हाँ जी, मेरे गाँव का भी ताल बहुत प्रसिद्ध है, और रामगढ़ ताल तो फेमस ही है, पूरे अब तो योगी जी ने पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया गोरखपुर को। तो आज जो फिल्मों को सपोर्ट योगी सरकार कर रही है, योगी जी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत, मतलब जितना सराहा जाए उतना कम। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत अच्छा काम कर दिया। आप एक अच्छी फिल्म बनाइए, साफ सुथरी बनाइए, खूबसूरत बनाइए, और सांस्कृतिक, अगर आप अपने संस्कृति का ध्यान रखते हैं, सांस्कृतिक फिल्में बनाते हैं, तो आपको सब्सिडी मिलती है। आप खूबसूरत फिल्में बनाइए, आपको सपोर्ट करेगी सरकार जी। आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? मुझे तो अभी तक मेरे यूनिट का, परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे चाहने वालों का, मेरे दर्शकों का प्यार, सहयोग बहुत मिल रहा है। इससे आगे अब जब मैं प्रोसीजर करूंगी चीजों को, तो सरकार की तरफ से भी मिलेगा, ये मुझे पूरी आशा है। डायरेक्टर साहब के बारे में? मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं सुनील त्रिपाठी जी, और बेहतरीन टेक्नीशियन है, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, और जितनी अच्छी टेकिंग हो रही है, कैमरा मैन है हमारे दुर्गा प्रसाद जी, टीम बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, और टेक्निकल तौर पे मैं बोलूं तो फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, तो आप लोग जरूर देखें, मेरे डायरेक्टर मेरी टीम को जरूर सराहें। आज जहां शूटिंग करें वहां पे जो लोकेशन है, यहां के स्थानीय जो लोग हैं उनका कितना सहयोग मिल रहा है? सभी का बहुत अच्छा सहयोग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं बहुत खुशी कर रही हूं, और शूटिंग मेरे ख्याल से 15-20 डेज में मेरी कंप्लीट हो जाएगी, और बजरंगबली ने चाहा तो सब अच्छा होगा, खूबसूरत होगा जी। आगे और क्या क्या धमाका करने वाली है वो तो अब आगे भगवान जाने, कोशिश हम इंसान हैं, करना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जरूर करेंगे, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी जो आप लोगों को पसंद आएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हैंडसम हीरो मिलने जा रहा है, एक नया चेहरा आप लॉन्च कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इस फिल्म से मैं एक नया चेहरा लॉन्च कर रही हूँ, आरवी,
रियान सिंघानिया, उनको आप लोग जरूर देखें, उनको सराहें, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग स्किल तो अच्छी है और फाइट बहुत अच्छी है, खूबसूरत हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उनको देखें, अपना प्यार दें, दुलार दें, ताकि वो कंटिन्यू आप लोगों की सेवा कर सकें, आप लोगों के लिए मनोरंजन से भरपूर फिल्में लेकर आएं। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस, आप तो माई बाप हो भाई, आप लोगों से तो हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी फिल्म आ रही है, बहुत जल्दी आ जाएगी आप लोगों के बीच में माटी रंगाई खून से, तो आप लोग उसे देखें, सराहें, मुझे प्यार दें। एज ए प्रोड्यूसर मैं आप लोगों के लिए, आप लोग जो बोलेंगे उस हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आऊंगी, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच, और मेरे मीडिया कर्मी सभी, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। सर आपका हमारे चैनल स्वागत है, मैडम आपका स्वागत है नई फिल्म के सेट पे। सबसे पहले आप दोनों लोग इंट्रोडक्शन चाहेंगे। जी, सबसे पहले मुझे और आरवी जी को देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, नमस्कार प्रणाम। और जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं राम चरण जी, बहुत दिनों बाद मिले हैं आप लोग हमसे, सो सबसे पहले आप लोगों को भी हेलो हेलो एंड यस। तो माटी रंगाई खून से क्या कहना चाहें, आप लोग किसको खून से रंगने वाले हैं? प्लानिंग तो नहीं है फिलहाल एक दूसरे को खून से रंगने की, बट ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यस, तो ये टाइटल है बिकॉज ये बहुत ही लाइक कहते हैं फैमिली और ड्रामा टाइप ऑफ फिल्म है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। सो हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। या कंटेंट बेस्ड फिल्म है ये, एक्चुअली बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। एंड दूसरी ये जमीन के ऊपर फिल्म है, कि जमीन धरती हमारी माँ है और उन चीजों पर बेस्ड ये फिल्म है, बेसिक कंटेंट इसका ये। क्या किरदार है इसमें आपका? जी मैं इसमें सेकंड लीड कर रहा हूँ, इसमें अर्जुन ठाकुर का कैरेक्टर है मेरा, और ये मोहतरमा हमारी उसमें प्रिय बनी है, जिनका नाम गुंजा जी है। प्रिय, इट मींस लाइक अ प्रेमिका। या प्रेमिका बनी, प्रेमिका है, प्रेमिका की भूमिका अदा कर रही है ये उसमें। या तो आप इनको प्रपोज करते हैं, ये आपको करने वाली है? अरे वो प्रपोज सीक्वेंस छोड़िए, पहले तो मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी। मैं पहली बार मिली हूँ आरवी से, एंड मैंने इनका लाइक बहुत पहले एक फोटोग्राफ देखा था। सो आज पता है क्या हुआ, मैं जस्ट मेरा एंट्री होता है होटल में, एंड जैसे ही हमने एंट्री किया एंड मैंने आरवी को देखा, तो आरवी यू नो कॉस्ट्यूम रूम में बैठा था, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में कुछ बात। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ये एंटर हुई है वहाँ पे, एंड इन्होंने हाय हेलो किया है, उसके बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या था, जैसे ही मैं एंट्री हुई ना, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, मुझे लगा ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का रूम है, तो ऑब्वियसली यहाँ कॉस्ट्यूम से रिलेटेड लोग होंगे। सो मैंने सबसे पहले एंट्री करते हुए बराबर बोला, हाय ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सो कैसे आप लोग, तो अभी यू नो बेड पे लेटा हुआ तो कॉस्ट्यूम रूम में, एंड ये ही सेड या गुड मॉर्निंग, हाउ इज यू, तो मैंने बोला लाइक हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मैंने लास्ट में पता क्या पूछा, ओके सो यू आर फ्रॉम कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, यस यू ड्रेस दादा, और मैं वहां पे बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या हो गया। तो ये बोलता क्या बोला आपने, तो फिर मैंने बोला कि या आप ड्रेस दादा है ना, तो फिर बोला कि आई एम योर हीरो, हम आपके हीरो। हम लोगों की शुरुआत हुई है आज, फर्स्ट डे हमारे शूट का, सो हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ एक दूसरे से, किसी ने मिलाया नहीं, खुद ही मिल लिया हम लोग एक दूसरे से, अब देखते हैं आगे कौन किसे प्रपोज करता है। तो क्या इरादा है मैडम जी आपका, कैसा लगे हीरो? हीरो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट से है, आप देख सकते हैं प्यारे से है, बहुत अच्छा है। कैसे केमिस्ट्री रहने वाली आपकी और? बहुत शानदार, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जितनी चुलबुली है काफी अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली। आते ही जो झटका दिया अरे बहुत तगड़ा, आते ही कॉस्ट्यूम दादा बना दिया, फिर यू नो ये मेकअप करवा रहे थे तब लाइक मेरी इंटरव्यू के लिए एंट्री हुई, तो ये बोले यार बस करो कुछ इतना सुंदर बना दो, नहीं तो कहीं स्पॉट दादा बना, स्पॉट दादा बना देंगे मेरे को, पानी वानी ना मंगवा लेना, ऐसा नहीं होगा। या तो फिल्म की जो आज शुरुआत हुई है, शूटिंग चल रही, क्या कहना चाहें फिल्म के मेकिंग टेकिंग को लेकर? मेकिंग टेकिंग बहुत अच्छी है, जो डायरेक्टर है वो काफी टैलेंटेड है, उनके साथ पहले भी मैंने काम किया हिंदी प्रोजेक्ट्स पर, तो यस ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, और अभी फिलहाल मेकिंग जो मैं देख रहा हूँ इट्स वेरी गुड। जी, प्रोड्यूसर साहब का क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो सबसे क्यूट है, मतलब क्यूट एंड यू नो लगता है सेट पे प्रोड्यूसर है, जब वो आती है हाय क्या एटीट्यूड होता है, ऑरा है उनके अंदर। यस जी, और हम दोनों की माँ है, एंड अभी का एक इंसिडेंस मैं बताऊंगी, मैं प्रोड्यूसर को माँ कहती हूँ, तो इन्होंने मतलब कि माँ वो आपको माँ कहती है, ऐसा ना हो कहीं मुझे भाई बोल दे, रोमांस कैसे हो गए और भाई बोल दिया।
नहीं नहीं इतना तो मैडम क्या इरादा है इनको, कितना झटका भी दोगे आप? ऑलरेडी आते वक्त मैं झटका दी हूँ, तो अभी मैं चाहती हूँ कि अभी एक अच्छी केमिस्ट्री बिल्डअप हो, अच्छा वर्क हो, झटका ना मिले। मैं झटके तो देती रहेंगी, आप तक आती दो चार तो दे चुकी है। आप कितना झटके देने वाले हैं? प्लान बना हो जाए काम, उसके बाद झटके ही झटके, अभी प्लान बनाएंगे। तो क्या कहना चाहे आपको करियर की बात करें, तो क्या क्या वर्क आपने किया है? मैंने इससे पहले एक भोजपुरी फिल्म की है, बड़का भैया, मनोज टाइगर साहब थे उसमें, मिनी लाइव स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे थे उसे। एंड उससे पहले मैंने हिंदी के प्रोजेक्ट्स किए हैं, वेब सीरीज वगैरह किए हैं। देन मेरा एक हिंदी की फिल्म आने वाली है, अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में आ जाएगी वो। तो ये मेरे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं और भोजपुरी का चल रहा है, रनिंग है, इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर मी। मैडम आप बताएंगे क्या क्या अभी कहाँ कहाँ शूट कर रहे हैं? मैंने तो किया है काफी सारे वर्क किए हैं आप लोग की ब्लैसिंग से, तो जूनियर हूँ मैं, इतना काम किया है। प्लीज ऐसा मत बोलो, बट नॉट अ जूनियर, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंडस्ट्री में, मुझे 3 साल हुए हैं, बट मैंने 26 फिल्म्स कर चुकी हूँ मैं, दिस इज माई 27th फिल्म, एंड मैंने मैक्सिमम आर्टिस्टों के साथ काम कर लिया है, कुछ छोड़कर। या एग्जैक्टली, सो बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, इस साल मेरी 7-8 फिल्में रिलीजिंग पे है, सो या गिव मी मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स कि मैं ऐसी करती रहूं करती रहूं करती रहूं। थोड़ी बहुत हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी आते रहें बार बार। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस ये कहना चाहेंगे, जैसे आपको ये इंटरव्यू कंफर्म पसंद आएगा, वैसे हमारी जोड़ी को भी पसंद करिएगा जो हमारी फिल्म आने वाली है उसको लेकर। एंड आई होप कि हम बार बार काम करते रहो और आपको हम बार बार पसंद आए, हमेशा पसंद आए। जी मैडम आप क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरे सारे दर्शकों से कि हम दोनों को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको हमारा नेचर, लाइक नेचर इन द सेंस की लाइक वे ऑफ बिहेविंग एंड सारी चीजें बहुत अच्छी लगे, तो एंड हम लोग बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, सो मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स दीजिए, प्लीज सपोर्ट अस, जैसे आपने सारे स्टार को सपोर्ट किया वैसे हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपको हमारे चैनल स्वागत। सबसे पहले हम आपको परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राम गुप्ता है और मैं यहीं आपको उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ। जी जी, आज जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है माटी रंगाई खून से, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी है, एक गांव की कहानी है, एक ठाकुर साहब की कहानी है, और इस कहानी में पूरा गांव इन्वॉल्व है, तो अच्छा लगेगा, फैमिली फिल्म है, सबको पसंद आएगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, सभी को अच्छा लगेगा। आज पहला दिन है शूटिंग का, तो क्या कहना चाहें किस तरह से? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को, पूरी क्रिएशन टीम को, डायरेक्टर्स को, मिस्टर सुनील त्रिपाठी को, एंड सभी पूरी टीम को, और सभी को बधाई देना चाहूँगा, और बहुत अच्छे से और बहुत ही सुचारू तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, अपनी शूटिंग कर रहे हैं लोग। डायरेक्टर सुनील जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनील त्रिपाठी जी बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, और मेरा मानना है कि इस फिल्म को और भी बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे पब्लिक के सामने, तो लोग डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। और फिल्म की जो प्रोड्यूसर साहिबा हैं क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर साहिबा हमारी बहुत ही मेहनती हैं, और इससे पहले उन्होंने एक्टिंग भी किया है, एक्टिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, और प्रोडक्शन में भी ऑलरेडी पहले भी प्रोडक्शन किया हुआ है, और अभी एक बहुत ही बड़े लेवल पर, अच्छे लेवल पर इस प्रोडक्शन हाउस को और आगे लेके जा रही हैं सिंघानिया क्रिएशंस को, और बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको काम करेंगे। तो क्या करना चाहिए पूरी टीम को? किस पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, प्रमोद प्रेमी जी को, पूनम दुबे जी को, आरवी आकर्ष जी को, एंड जो हमारे बाकी सारे जो स्टार कास्ट हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी लोग मेहनती हैं और अच्छा काम करेंगे। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बेहतर अभिनय का प्रदर्शन करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे। जहाँ पर फिल्म की शूटिंग जो लोकेशन, स्थानीय लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसे चैलेंजेज यहाँ पर नहीं है, सो सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, गाँव के लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और पूरा एरिया कोऑपरेट कर रहे हैं। जी फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का जो सब्जेक्ट है बेसिकली अगर हम देखें तो हर गांव की जो एक कहानी होती है, जो एक रियल स्टोरी होती है, उसी स्टोरी पे बेस्ड है, और उस स्टोरी में आप सभी जानते हैं कि हर गांव में एक नेगेटिव करेक्टर भी होता है, एक पॉजिटिव करेक्टर है, तो इन्हीं को मिला के इस स्टोरी को बनाया गया और लोगों के सामने एक दर्शाया गया कि किस तरीके से एक गाँव में, या कह सकते हैं कि किस तरीके की एक लाइफ स्टाइल होती है लोगों की, वो मेंटेन किया गया। जी इन दिनों यूपी में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर देखिए भोजपुरी इस समय अगर बात किया जाए तो हम बॉलीवुड के बाद अगर हम बात करें तो टॉलीवुड है, तो टॉलीवुड के बाद हमारा भोजपुरी वर्ल्ड बहुत ही ग्रो कर रहा है, और इस चीज़ के लिए जो सबसे बड़ा योगदान अगर किया जाए या बधाई के जो पात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं,
क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी फिल्म सिटी भी लेकर के आ रहे हैं नोएडा के अंदर और लखनऊ में और बाकी सभी ऑल ओवर यूपी की अगर बात की जाए तो शूटिंग्स चल रही हैं। सो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बहुत लोगों को आनंद है, क्योंकि युवाओं के अंदर एक जोश है, अभिनय के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती चली जा रही है। इस फिल्म से एक और हीरो भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे रियाज? आरवी आकर्ष जो इस ये उनका वैसे सेकंड मूवी है, इससे पहले भी उन्होंने एक मूवी शूट किया है और बहुत ही अच्छे अभिनय के साथ आ रहे हैं और उन्होंने पहले बहुत सारे सीरियल बहुत सारी वेब सीरीज में भी काम किया है और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उम्दा एक्टर हैं और मैं आने वाले भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप सब लोग उनको लीड रोल में भी देख पाएंगे। बहुत अच्छे जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके का उनका अभिनय है। जी जी, और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को जरूर चाहूँगा, सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल घरों में जरूर जाएं, देखें, एंजॉय करें, क्योंकि आपको इस फिल्म के अंदर एक अपना पारिवारिकपन महसूस होगा, आपको लगेगा कि आप अपनी फैमिली और अपने गांव के माहौल में इस फिल्म को देख रहे हैं, यानी उसी माहौल में आप हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।